हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेसिक कंप्यूटर डिवाइस। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो जो कंप्यूटर की जो बेसिक डिवाइस जो होती हैं, जो उसकी डिवाइस होती हैं, उसको चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली जो होती है वो इनपुट डिवाइस होती है, दूसरी जो होती है वो प्रोसेसिंग डिवाइस होती है, तीसरी जो होती है वो आउटपुट डिवाइस या आउटपुट यूनिट होती है। यूनिट या डिवाइस बोथ आर सेम थिंग्स। और लास्ट जो चौथी होती है वो स्टोरेज डिवाइस होती है। तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले जो इनपुट डिवाइस होती है उसका काम क्या होता है? इनपुट डिवाइस का काम होता है कि कंप्यूटर में डाटा को फीड करना। तो जैसे इनपुट डिवाइस का एग्जांपल जो है ये कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है जो गेम वगैरह खेलने के काम आता है, स्कैनर है इसमें फ़ोटो या कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करने के काम आता है, कैमरा है, टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन इज सेम जैसे आपके एंड्रॉयड फ़ोन की स्क्रीन होती है, उसमें टच करके, क्योंकि हम टच करते हैं तो स्क्रीन पे जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो टच करने के काम कारण होती है। तो क्योंकि टच करना भी एक इनपुट फीड कराता है तो इसलिए इसको भी क्या कहते हैं? इनपुट यूनिट। माइक्रोफोन है क्योंकि इससे हमारी वॉइस कंप्यूटर में इन होती है। ट्रैक बॉल है, ये भी माउस की तरह काम करता है। और वेब कैमरा है क्योंकि इससे हमारी जो पिक है वो कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट होती है। तो ये सारी जो है ये एग्जांपल हैं इनपुट डिवाइस के, जैसे टच स्क्रीन, कैमरा, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, वेब कैमरा है, वेब कैम बोलते हैं शॉर्ट में, कीबोर्ड है और माउस है। नेक्स्ट वन प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग डिवाइस में मेनली सीपीयू आता है और सीपीयू के अंदर जो होता है, जो मेन सीपीयू है वो ये वाला होता है जिसको मैं माउस से वो कर रहा हूँ, जिसके ऊपर से माउस में राउंड राउंड कर रहा हूँ। तो ये सीपीयू है, ये उसका बेस है, मेन सीपीयू ये है। अमूमन बहुत सारे स्टूडेंट इसको सीपीयू बोलते हैं जो नीचे दिया हुआ है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वैसे लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर सीपीयू होता है। ये तो इसको तो बॉक्स बोला जाता है, इसको कैबिनेट भी बोलते हैं, बॉक्स भी बोलते हैं, सीपीयू बॉक्स बोला के नाम से जाना जाता है। तो जो सीपीयू होता है वो क्या करता है? सीपीयू जो होता है वो जो इनपुट डाटा है उस पर प्रोसेसिंग करता है। जैसे सपोज करो कि मैंने कहा 2 2 जा, आपका आंसर आया 4, तो 2 × 2 आपके ईयर से इन हुआ, आपने ब्रेन में सोचा है 2 × 2 करने पे क्या आउटपुट होगा। तो उसके बाद आपके ब्रेन ने सोचा ना 4 इसका आंसर है, उसके बाद देन आपने जवाब दिया, तो जो जवाब दिया दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट यूनिट। तो किससे हमें जवाब मिलता है? जैसे हम कोई चीज़ टाइप करते हैं तो मॉनिटर पे हमें दिखाई देता है, हेडफोन पे डिवाइड दिखाई देता है, जैसे हम कोई भी म्यूज़िक या कोई भी मूवी प्ले करते हैं तो हेडफोन के माध्यम से हमें सुनाई देता है। तो यानी वॉइस का आउटपुट होता है, स्पीकर से भी वॉइस का आउटपुट होता है। प्लॉटर है, प्लॉटर भी प्रिंटर की तरह ही होता है, लेकिन इसका जो काम होता है वो बड़े बड़े बैनर जो होते हैं, आपने नेताओं के पोस्टर वगैरह देखे होंगे, उसको प्रिंट लेने के काम में आता है। प्रोजेक्टर देखा होगा कि आप जो भी एक्टिविटीज़ आपके कंप्यूटर में हो रही हैं उसको आप बड़े पर्दे पे देख सकते हैं, जैसे सिनेमा हॉल के पर्दे, जैसे प्रोजेक्टर आउटपुट यूनिट है, क्योंकि इससे हम चाहे तो बड़ी दीवार पे भी इसका आउटपुट देख सकते हैं। और प्रिंटर तो आपको पता ही है कि क्या होता है, इसमें प्रिंट लेने के काम आता है। और मेन जो लास्ट में है स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस लिखा हुआ है इसका, ए स्टोरेज डिवाइस ए डिवाइस दैट इज़ यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन सच एज हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क एंड टेप डिवाइस। ये जैसे हार्ड डिस्क है, ये कंप्यूटर के अंदर होती है, सिक्योर डिजिटल कार्ड जैसे डाटा कार्ड, मेमोरी कार्ड जिसको कहते हैं, ये पेन ड्राइव है, ये फ्लॉपी डिस्क है, ये आपकी
डीवीडी है, ये सीडी है, सीडी की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, ये सिक्योर डिजिटल कार्ड है, ये भी ये सारे मेमोरी कार्ड हैं, ये जिप ड्राइव है, ये पीसी कार्ड वही होता है, इसके अंदर ये लगाया जाता है, उसके बाद कंप्यूटर के पोर्ट में इसको इन किया जाता है। ये ब्लू रे डिस्क जिसको कहते हैं, ब्लू रे डीवीडी, यानी इनको ब्लू रे डिस्क बोला जाता है। सबसे इसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, यानी MB 400 MB तक होती है। और ये जो होती है इस ये जो डीवीडी होती है ये इसका लगभग डबल होती है, 4 गुना भी होती है, अलग अलग के होती है, यानी 1 GB 1.5 GB तक होती है। और ये इससे ये जो HD DVD है, ब्लू रे डिस्क है, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो 30 GB या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ये सारे डिवाइस हैं, आपको समझ में आ गया होगा, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।